गुरुवार को कलेक्टरेट परिसर उस वक्त गूंज उठा जब गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में महाप्रदर्शन में पहुंची। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्टरेट में प्रवेश किया, जहां भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी व महिला उत्पीड़न के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए संगठन ने अपनी 7 प्रमुख मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित कर समस्याओं के अतिशीघ्र निवारण किए जाने हेतु शासन प्रशासन से पुरजोर मांग की है। ज्ञापन में प्रमुख मांगे इस प्रकार से रही कि असोथा ब्लॉक के अड़ावल ग्राम में सरकारी राशन कोटा की दुकान का प्रस्ताव मुख्य ग्राम अड़ावल में ना करके एक छोटे से मजरे गंधुवा डेरा में कर दिया गया है, जबकि उस मजरे की आबादी मुख्य ग्राम अड़ावल से बहुत ही कम है, जबकि अड़ावल में हजारों की आबादी है, अतः कोटा की दुकान अड़ावल में ही बने। बहुआ ब्लॉक के सुजानपुर में घरों के ऊपर से गुजरी हाई टेंशन लाइन को हटाया जाए। जिंदपुर टोल प्लाजा की जनपद वासियों से अवैध वसूली बंद की जाए। किसानों की फसलें बिना पानी के सूख रही हैं, अतः नहरों में निरंतर पानी छोड़ा जाए। गौशालाओं में मवेशियों के लिए समुचित व्यवस्था हो व थानों में महिलाओं सहित आम जनमानस की सुनवाई तत्काल हो और बहुआ ललौली सहित जनपद के खस्ताहाल मार्ग ठीक किए जाए। इन मांगों को लेकर संगठन ने कलेक्टरेट में प्रदर्शन किया। अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा कि समस्याओं के शीघ्र निवारण किए जाने का आश्वासन प्राप्त हुआ है, हमें आशा है कि जल्द समाधान किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में संगठन वृहद आंदोलन करने हेतु बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। इस दौरान अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ सरला सिंह, नीलम, प्रभा, सुनीता, रननो, रंजना, सुमन, अनीता, कमला, शोभा, राजरानी, गोमती, सहयोगिता, मधु, रेखा, सुधा, विमला, गंगा विशुम सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। क्या समस्या है? मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष, आज 7 सूत्रीय ज्ञापन लेकर के डीएम महोदया जी से मिलने आई हूं, उनको अवगत कराने आई हूं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग धरना देने पर बाध्य हो जाएंगे। एक जिंदपुर टोल प्लाजा है जो अवैध वसूली वहाँ पे हो रही है और रोड वहाँ पे है नहीं, जब रोड नहीं तो टोल नहीं, उसकी जांच करा करके टोल बंद किया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि बांदा ललौली से लेकर के बहुआ तक इतना रोड खस्ता हाल है, बड़े वाहन निकलते हैं और वो बड़े वाहन बंद किया जाए, नहीं तो रोड बनाई जाए, लीपा पोती कर देते हैं, लीपा पोती बंद करें, रोड बनाना शुरू करें। तीसरी मांग हमारी ये है गौशाला में गायों के लिए कोई सुविधा नहीं है, जब कोई मंत्री विधायक जाता है तो गायों को माला पहना करके और उनको अच्छी सी लुंगी ओढ़ा करके खाली फोटो खिंचाई जाती है, फोटो खिंचा करके उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ना वहाँ गौशाला में चारा है और ना गौशाला में वहाँ कम्बल है, ना रजाई है, कुछ भी नहीं गायों के लिए, हवा हवाई सब चल रहा है। और तीसरी मांग हमारी ये है कि अड़ावल में राशन की दुकान बन रही है तो अड़ावल में ना बनकर वो धनुआ डेरा में बन रही है, धनुआ डेरा से खत्म करके उसको अड़ावल में बनाया जाए। और एक मांग हमारी ये है कि महिलाओं की सुरक्षा यहाँ की प्रशासन शासन कर नहीं रहा है, महिलाएं लेकर के जाती हैं थाने में भटक रही हैं, चौकी में भटक रही हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। सुजानपुर में तार बिजली के तार निकले हुए हैं, हाई टेंशन की लाइन गई है घरों के ऊपर से, तो वो घरों के ऊपर से लाइन हटाई जाए और सुजानपुर के तार बदले जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हूँ, मैं आज संगठन के साथ में आई हूँ। 8 दिन तक हम लोग बैठ करेंगे, अगर 8 दिन तक कोई हमारी समस्याओं का हल नहीं होता तो हम यही डीएम मैडम के यहाँ धरना देंगे।